नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। ट्रेनों में डकैती करने वाले गिरोह का एक सदस्य शामली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़ा गया आरोपी अपनी गैंग के साथ मिलकर तमंचे के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया करता था। दिल्ली का वांटेड था, क्या पूरा मामला? ये थाना झिंझाना, हमारी शामली पुलिस को सफलता मिली है। इसमें थाना झिंझाना की पुलिस ने ट्रेन में लूट और डकैती करने वाले एक शातिर अपराधी का, इसका नाम गूंगा है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये समयपुर बादली एरिया में एक डकैती पड़ी थी अभी हाल में, उसमें 12 लोगों ने डकैती डाली थी, उसमें ये शामिल था और दिल्ली पुलिस से वांटेड था। इस पर दिल्ली पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। इसको हमारी टीम ने, झिंझाना पुलिस ने, गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ इसे एक TBS अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आज इसको जेल भेजा जा रही है। ये यहाँ बावरिया गिरोह का एक्टिव सदस्य है। शामली में कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की है। 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, सर क्या पूरा? हमारे कोतवाली शामली पुलिस को सफलता मिली है। इसमें 5 दिसंबर को और 19 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी लूट की। इसमें दोनों में मोडस ऑपरेंडाई एक ही था। व्यक्ति आ रहे थे, एक बाइक पर बैठ के एक आदमी अकेला आ रहा था और इन लोग बाइक रुकवा करके उसकी बाइक छीन ली, मोबाइल छीन लिया था। इस तरह की 2 घटनाएं हमारे रिकॉर्ड में दर्ज थी। उसके लिए टीम लगाई हुई थी। इस टीम को देर रात सफलता मिली और मुठभेड़ में इन 3 शातिर अभियुक्तों को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। इन 3 अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें और लूट में प्रयुक्त 2 मोबाइलें ये बरामद की गई हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये जो गैंग है, बेसिकली इसका गैंग लीडर अंकित नाम का आदमी है, जो कि बहुत ही शातिर लुटेरा है और तमंचे की बट से मार करके अपने शिकार को घायल कर देता है, उसके बाद बाइक छीन के लेके चला जाता है। तो ये 3 लोगों का गैंग हमने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से जो भी बरामदगी हुई है, तमंचे और मोटरसाइकिल और मोबाइल, और हमने अपनी टीम को 10,000 रुपये का इनाम इसमें दिया है। कितने रुपए में एक बाइक बेची थी? 5,000 में। कितने लोगों में बटे थे 5,000? ये 3 लोगों। अच्छा, किस लिए लूट करते थे? मौज मस्ती के लिए। कितनी बाइक लूट चुके अभी तक? 4 बाइक लूट चुके। यूपी में खनन माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं। आज खनन माफियाओं ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से होमगार्ड को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने करनपुर चौकी पर अपने साथियों के साथ खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, तो खनन से भरे वाहन को माफिया ने होमगार्ड के ऊपर ही चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार वालों में कोहराम मच गया और आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे लोगों ने जाम लगा दिया और कार्रवाई करने की मांग भी करने लगे। यूपी के कौशाम्बी में युवकों ने एक विहिप नेता पर कातिलाना हमला बोल दिया। मारपीट में नेता को लहूलुहान कर दिया गया। नेता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैं उधर से आ रहा था तो समदर से और आए जो है मुझे घेर लिए और गाली गुप्ता देने लगे, और ये अच्छन मियाँ और मुस्तकीन नाम का एक व्यक्ति है और जरीना बेगम का लड़का जो है, और करीब 7-8 लोग थे, सरिया और चाकू वगैरह लिए थे और जिसमें मेरा मोबाइल वोबाइल छीन लिए थे और मारपीट किए, और क्या नाम है, उसके बाद जो है घटना इस तरह तुरंत मैंने फ़ोन किया और इसमें जो है उसमें कहते हैं कोई पत्रकार है कोई जो क्या है, और अभी कुछ कोई कार्रवाई नहीं पुलिस प्रशासन कर रही है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही कि भाई आप उसके घर गए थे, बताइए उसके घर में क्या करने जाऊँगा? अगर आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही तो संगठन क्या करेगा आपके साथ? अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं थाना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, थाने में बैठूंगा। ACO महोदय मुझे जेल भिजवा दे या गोली मरवा दे, लेकिन मैं जो। वहीं राजस्थान के करौली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर आई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही अपनी जांच भी शुरू कर दी। बताओ सर क्या हुआ? क्या हाल के बारे में?
आज हमारे को सुबह सूचना मिली थी कि रात को राजपुर गांव में जितेंद्र सिंह राजपूत की छत से गिरने से मृत्यु हो गई है और उसकी लाश गुड़ा चंद्र जी सेहत से में रखी हुई है। इस पर हम मौके गुड़ा चंद्र जी सेहत से पहुँचे, उसकी मृतक की लाश को देखा तो उसके सिर में भी चोट थी, गले पर भी निशान थे। उसकी मृत्यु संदेहास्पद लगी और इस पर उसके घर का भी जाकर मौके पर जाकर भी हमने छानबीन करी है और मामला संदिग्ध है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर लाश घर वालों को सुपुर्द कर दी है और इसमें हम अब गहनता से जांच कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। शक के आधार पर किसी को उठाया भी है क्या? इसके अन्य परिजनों ने इसकी पत्नी पर शक जाहिर किया, उससे पूछताछ करेंगे। जब इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद उसको लाकर पूछताछ करेंगे, जैसे भी स्थिति होगी आगे कार्रवाई की। मेरठ के पूर्व सांसद हाजिद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। की फैक्ट्री में आग लगी है, किन कारणों से लगी है, क्या सामने आ रहा है? आज थाना क्षेत्र खरकौदा में अल अखलाक करके एक मीट फैक्ट्री है ग्राम अलीपुर में, उसमें ये बताया जा रहा है, मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया है और फायर टेंडर भी पहुंच गया है। उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉसिबल कारण जो है, क्योंकि अभी अंदर नहीं जा पाए हैं, अभी धुआं उठ रहा है, पॉसिबल कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं है, फायर टेंडर मौके पे हैं तथा आग पर काबू पा लिया गया है। सर एप्रोक्स कितना नुकसान की आशंका है, कुछ सामने आया? अभी चूंकि बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी की हानि की बात नहीं पता चल पाई है। ठीक, पुलवामा अटैक के बाद देश के बच्चे बच्चे में आतंक और उसे पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम सीमा पर है। देश के कोने कोने से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर में भी पुलवामा अटैक का दर्द देखा जा रहा है और आतंकवादियों के खिलाफ क्रोध की चिंगारी युवाओं में सुलगती देखी जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शायद पुलवामा में 44 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोरते हुए आतंक के खिलाफ एकजुट कर दिया है। सहारनपुर के मिर्गपुर गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि 1 मार्च तक अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो गुर्जर समाज के लोग कश्मीर की ओर कूच करेंगे और पत्थरबाजों और आतंकवाद के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोलेंगे। केंद्र की सरकार हो या फिर प्रदेश की सरकार, दोनों ही सरकारें गाँव के विकास का दम भरती हैं और गाँव के विकास पर लाखों रुपये खर्च करने का दावा भी करती हैं, लेकिन अंबाज से आई इस तस्वीरों को देखकर सरकारी दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 और 10 की गलियों में जल भराव की समस्या इन दिनों स्थानीय जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों से भी मांग की गई लेकिन नतीजा जीरो रहा। स्थानीय निवासियों ने आज प्रदर्शन कर नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द ही समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। सीएमएन के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हैं सीएमएन न्यूज। नमस्कार।